क्या फिलहाल तुम फाइनली मुझे बताओ शादी कब करनी है? बाबू साहेब शादी करनी है 1 साल मैक्सिमम, उसके बाद में। हाँ वो मेरे घर वाले तब तक नहीं नहीं कर। तो मैं खुद तो मेरी गलती मान लेता हूँ गाइज, मैं घटिया इंसान हूँ, मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ, बहुत ही बहुत बहुत मतलब मैंने सभी को धोखा दे रखा है और मैं विश्वास के लायक नहीं हूँ। ठीक है गाइज, ये मान लो मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है, मैं अकेला बहुत दूर से आया हूँ कुछ कर बनने के लिए, तो प्लीज रास्ते में रुकावट मत कर प्लीज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो रुकिए दोस्तों, कमेंट करने वाले ना वीडियो को लाइक या डिसलाइक करने वाले, तो गाइस प्रॉपर वीडियो देखिए, पूरी वीडियो देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपके बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें करने के लिए। और गाइस ये पहले बोल देता हूँ, ये भी मैंने अभी सर दर्द मतलब काफ़ी टाइम से वैसे हो रहा है लेकिन अभी भी है, बुखार भी है, इसीलिए मैंने ये पहना है, कुछ लगा वगा नहीं, आपको मैं पहले बोल देता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत सारी बातें करने हैं इसकी वजह से मैं बना रहा हूँ, और आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं, किसी के डाउट्स हैं, कोई आरोप है, तो ये सारे डाउट क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये किसी के खिलाफ नहीं है, मैं पहले बोल देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ वीडियो में बनाया, एक दो मेरे चैनल पर वीडियो बनी है, मेरे बचाव के अंदर मैंने बनाई है वीडियो, और ये भी बचाव के अंदर मैं बना रहा हूँ वीडियो, मैं किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको कितना बेवकूफ़ बनाया, आपके कमेंट आ रहे थे, या फिर हमारी जो वीडियो होती है वो कितनी स्क्रिप्टेड होती है, कितनी सही होती है ना, तो इसी के बारे में मेरे को पूरी बात करनी है। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है या फिर कोई भी पति पत्नी होते हैं, उनमें जो अगर कुछ प्रॉब्लम सी हो जाती है तो यार सबसे ज़्यादा जो बदनाम होता है ना भाई, वो पति जो लड़का होता है ना वही बदनाम होता है, आपको पता ही रहेगा। पर ये कोई आपकी गलती नहीं, वो अपना समाज ही ऐसा है। ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि यार आप जब से यूट्यूब पर आए हो हमें आपकी लव स्टोरी बताती हो, क्या वो झूठी है, क्या वो फेक है, मतलब इतना बड़ा धोखा। अर्जुन भाई हम आप पे भरोसा करते थे। तो भाई मैं बोलना चाहता हूँ, भाई धोखा नहीं दिया, मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा, आप समझ जाओगे कि भाई किसने किसको धोखा दिया है। आप मेरे से दिल से जुड़े हो, मैंने आज तक के लिए ऑडियो सुन लीजिए। ठीक है, रहना कि हम दिल्ली में या मुंबई में रहेंगे अपना घर लेके। हाँ बिल्कुल, जब भी शादी की बात होती है तब तुम चेंज भी होते हो। कौन कौन? अबे यार मैं एक चीज बोल रहा हूँ ना, चल कैसी बात कर रही है। चीज बोलने और ना बोलने से कोई वो ही नहीं है, जो मेन बात है वो करो ना। तुमने मेरे को यही बोला था कि हम शादी के बाद अपना घर लेके मुंबई रहेंगे या दिल्ली। बिल्कुल, अभी गांव की जमीन, गांव के रहना सहना। अरे नहीं यार, एक अबे अबे यार मेरी बात ना, ये तू बोलने को ये भी तो बोल सकते ना कि हाँ चल 3 साल है, हम 3 साल बाद शादी करेंगे, तब तक मैं कर लूंगा। नहीं वो तो वो तो बोल रहा हूँ ना, चल वो तो सुन। अबे नहीं, अबे यार मैं अगर मैं बोलूँ ठीक है कि 3 साल में ले लेंगे, ठीक है 3 साल में ले लेंगे पक्का? बिल्कुल। हाँ तो ऐसी सिचुएशन आ गई है, ऐसी सिचुएशन आ गई है, कुछ भी नहीं हुआ तो क्या 3 साल में क्या करो फिर? मैं बाद में तुम मना बोलेंगे, मम्मी पापा नहीं कराएंगे ना। अब मतलब मैं तो मान लिया कि भाई मैं पति पत्नी, तू मेरी पत्नी पति है, ठीक है, तूने भी मान लिया, ठीक है, 3 साल तक हम सोच भी रहे कि सब कुछ हो जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा, लेकिन आंचल कभी ऐसा हो गया कि वो ऐसा नहीं हुआ तो क्या उस वक्त? पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि शादी के 3 साल तक, 2.5 साल तक, 2 साल तक रुकोगे ना तुम? दो साल तक नहीं रुकते था चल, तो फिर जल्दी करूंगा वो तो, मैं तो बोलूंगा हाँ तेरी ये जो कंडीशन है ये जल्दी पूरी कर दूंगा मैं, नो प्रॉब्लम। कंडीशन की भी बात नहीं है, लेकिन 1 साल में मेरे घर वाले क्यों शादी करेंगे यार इतनी जल्दी मेरी? यार जैसे मैं तेरे पे 3 साल भरोसे रहूं, हर चीज को लेके मैं हर चीज रूम लेने तो की कोशिश। तो सुन ये चीज आके तो मेरे घर से क्लियर कर दिया, बात खत्म। क्या क्या करूँ? चल मैं बोल क्या बोल, चल अभी मैं रवाना निकल रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है, तो एक काम कर, मेरे घर पे आके बोल दे कि हाँ अंकल जी, आप ये बता दो कि हाँ हमारे तरफ से पक्का है या नहीं है, तो 3 साल के बाद हम शादी कर लेंगे। अच्छा सुन यार बाबू, मैं तेरे को कन्फर्मेशन चाहिए ना, तो कन्फर्म कर ले आके। कन्फर्म नहीं यार, तू अभी यार तू चाहे बोल रहे की अर्जुन 3 साल वेट कर, ठीक है, तो अपन जैसे पति पत्नी की तरह रह रहे, तो मुझे कोई ये चीज मैंने अभी नहीं बोली तुमको, ये चीज मैंने सबकी बोल रखी जब मैं रिलेशनशिप में आई थी, उससे पहले बोला था कि शादी का मेरे पे कोई दबाव नहीं होना चाहिए, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूंगी, तो तुम अभी कर ही नहीं सकते मुझसे दबाव इस चीज का, जो तुम्हारी फैमिली ने बोली, तुमने बोला ठीक है पति पत्नी। मेरी बात तेरे तेरी फैमिली का, तूने माना कि मेरे पापा ऐसे बोल रहे हैं, ये सही है, तो बाबू मेरे पापा की, मेरे पापा बोले वो कुछ नहीं, तो कुछ टाइम तो रुकना यार, फिर मैंने जब तो कुछ एक मिनट, जिस दिन अपन रिलेशन में आए उस दिन कोई रूम की बात हुई थी? नहीं हुई थी। पहली बात तो मैं भी अगर ऐसी इसी तरह तो मैं अड़ सकता हूँ ना कि उस दिन कोई रूम की बात नहीं, कोई बात नहीं, 3 साल तक तो फिर रुकना पड़ेगा तुम्हें, फिर तो 25 तक कैसे तुम बोल लो कि ये चीज की हाँ ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। किसको बोलो? मेरे को। क्या कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, तो ठीक है मैं बोल दूंगी कि जब मेरे घर वाले जब 25वीं शादी कराएंगे तो फिर आपको 25वीं करनी पड़ेगी। अरे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ पहले समझ, जिस दिन रिलेशन में आए थे जैसे तू बोलेगी आज तो सुन, वो सब बातें छोड़ दूंगी, ठीक है, फिलहाल तुम फाइनली मुझे बताओ शादी कब करनी है। बाबू साहब शादी करनी है 1 साल मैक्सिमम, उसके बाद में हाँ वो मेरे घर वाले तब तक नहीं कर। आपने सुना रहेगा, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग आपने सुनी रहेगी, ठीक है। तो गाइज अभी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई वीडियो जो होती है ना, बिल्कुल आपने जो बोला कि वो एक प्लानिंग वीडियो होती है, मिल के बनाते हैं, ठीक है, स्क्रिप्टेड जिसको बोलते हैं, बात सही है, ठीक है। ज़्यादातर यूट्यूबर ज़्यादातर वीडियो 90% वीडियो स्क्रिप्टेड ही होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन गाइज मुझे एक बात बताइए, स्क्रिप्टेड का मतलब क्या होता है? स्क्रिप्टेड का मतलब होता है कि मिल के वीडियो बनाते हैं, तो यार जो कहानी होती है वो क्या सच्ची है कि झूठी है, मेन इम्पोर्टेंट वो होती है, ठीक है। तो गाइज जो कहानी थी ना, मैंने आज तक समझो कि 100% बताया, तो उसमें से 70% एकदम मेरी लाइफ के ऊपर मैंने बनाया, मेरे पे भरोसा मत कीजिए, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या है, ठीक है। तो गाइज चलो ये तो बात हुई वीडियो की, पहले जो आरोप थे उसके बारे में क्लियर कर देते हैं, और कि इसके बारे में तो हम नहीं जानते, अपने अभी तक बताया नहीं। तो गाइज देखो यार, हमारी लाइफ में ना सुबह से लेके शाम तक कितने लोग भिड़ते हैं, कितने लोग मिलते हैं, तो यार जैसे मेरे चैनल पे या फिर मेरे को जब आप वीडियो आपके मोबाइल में देखते हो, किस लिए देखते हो? लव स्टोरी को लेके, लेकिन उसके अलावा जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम होती है आपको मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैं लव स्टोरी बताता, मेरी लाइफ में जो होता था या फिर नहीं होता था या फिर क्या है, मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा, ठीक है भाई। लंबी वीडियो बनी सकती है, पर भाई दिल से अगर प्यार करते हो ना तो पूरी देखना। गाइस सबसे पहले जो किसी ने लाइव में आके, मैं किसी को क्या बोलूं यार, आपको तो पता ही, मैं आंचल कौर की बात कर रहा हूँ, मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, वो भी थी कि नहीं थी वो भी मेरे पास है सबूत, ठीक है। और मैं एक बार और बोल देता हूँ भाई, मैं ये बचाव में वीडियो बना रहा हूँ, मजबूरी में बना रहा हूँ, मैं इस ये यूट्यूब पे गंदगी फैलाना नहीं चाहता, हाथ जोड़ता हूँ मैं आपके आगे, ठीक है। मैंने अच्छी अच्छी वीडियो की, हाँ चलो क्यूट सा झगड़ा वो मैंने दिखाया जो मेरे साथ हुआ या फिर नहीं हुआ, मैं आपको सारे बताऊंगा, लेकिन हाँ मेरे बचाव के अंदर जो मेरे को कमेंट का रिप्लाई जो आप लोग पूछते हो मुझे कि यार क्या सच्चाई है, तो मैं ये चीज बताऊंगा, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले जो आरोप है कि यार तुम शादीशुदा हो, तो गाइज मैं बिल्कुल बोलूंगा कि हाँ मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है। और गाइज मैं वैसे मैंने आपको मैं बोला कि मैं गुजरात राजस्थान बॉर्डर पे मैं रहता हूँ, बिल्कुल भाई, और मैं किसान का बेटा हूँ, ठीक है, और एक गरीब किसान का बेटा हूँ, मेरे घर पे घर भी नहीं है, ठीक है, घर भी नहीं है, ये जो कल्चर जो अभी नहीं है, पहले बचपन में शादी हुआ करती थी, बाल विवाह बोल दो ऐसा ही कुछ, ठीक है। तो गाइज ये बहुत पहले की बात है मेरे साथ, जब मैं समझता भी नहीं था शायद, ठीक है, मेरे साथ हो रखी है घटना। और हाँ आगे लव स्टोरी दिखाऊंगा, यही दिखाऊंगा मैं जो मेरे लाइफ में जो भी गुजरता है ना, मैं आपको वीडियो के थ्रू मैं आपको बताता रहूंगा, और शायद अगली वीडियो प्रॉपर ये इसी रिलेटेड आए शादी के बारे में, ठीक है, हमारी जो फोटोज कैसेट्स मतलब सारी मैं आपको प्रूफ बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं यार, मैंने नहीं बताया आपको, आज तक नहीं बताया, ठीक है। मुझे लग रहा था कि यार कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि यार
मुझे थोड़ा कोई बात को लेकर डर था इसलिए मैंने नहीं बताया। हाँ लेकिन मेरी जिंदगी सब यूट्यूब पे है, मेरे साथ क्या हुआ, मैं कहाँ क्या हूँ, सारी चीज़ें, तो ये भी मैं बताऊँगा। ठीक है, तो अगली वीडियो उसी का इंतज़ार करें। ठीक है, मेरे पास सारे मेरी शादी को लेके प्रूफ है और ठीक है, और हाँ मेरी पहले की शादी के बारे में आंचल को सब कुछ पता था। मैंने जब बोल रहा था कि 6 महीने बाद में करेंगे तो इसी टॉपिक को लेके था कि कोई बात नहीं, ये पहले की बात है, उसको भी कोई आपत्त नहीं थी, उसको भी कोई आपत्ति नहीं थी। रही बात, मैं आपको वीडियो के अंदर काफ़ी टाइम पहले मैंने वीडियो में बताया था कि मैं बीमार हूँ। ठीक है, आप समझ सकते हो कि मैं किसके कौन सी बीमारी के बारे में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तो गाइज ये जो बात है ना वो काफ़ी पुरानी है। ठीक है, काफ़ी पुरानी, मतलब ये 2016 या फिर 15 के करीब की बात है। ठीक है, तो गाइज आज भी मैं ना आज भी मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ऐसा मैं वीडियो के अंदर करता रहता हूँ, आपको आपने देखा रहेगा और मेरे चैनल पर जाके देख लो, शायद बात करते करते तो मुझे सांस लेने में और ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि मैं क्या बोलूँ, एकदम से बेहोश होना वो कभी कभी होता है लेकिन एकदम से नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को मेरे पास अभी फिलहाल मैं काफ़ी टाइम से हॉस्पिटल भी नहीं गया, मेरे पास प्रूफ नहीं है। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को मैं तो बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आपको जो भी मानना है मान सकते हो, और बंदा कोई भी बंदा लाइफ में बहुत सारी बीमारियाँ हैं हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई, हाँ, लेकिन अभी मैं काफ़ी टाइम से ठीक हूँ। ठीक है, और तीसरी बात जो आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो कि गाइज क्या अपने लोगों से पैसे ले रखे हैं। ठीक है, तो गाइज इसका सवाल है बिल्कुल भाई। ठीक है यार, एक बात बताओ, किसको पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, सभी को पैसों की ज़रूरत होती है। ठीक है, अंबानी जो है ना उसको भी कोई प्रोजेक्ट खोलना है तो वो भी कहीं कहीं से लोन है, अपना जो इंडिया है ना उस पर भी कर्ज है, आपको पता ही रहेगा। तो गाइज मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मेरे पे भी बहुत ज़्यादा कर्ज है। ठीक है, मेरे को बहुत ज़्यादा कर्ज है और मैं उतार नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, और मैंने लोगों से बहुत सारे पैसे लिए। ठीक है, और जिस जिसने भी मेरी मदद की है, ठीक है, उसको मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरी लाइफ का अगर मैं भगवान समझूँ ना तो मैं उनको समझता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने भगवान तो नहीं देखा, ठीक है, लेकिन मेरी हेल्प करने वाला है, मेरे को अंधेरे से उजाले में लाने वाला भगवान के रूप में उनको देखा है। ठीक है, ठीक है, बड़े वो बड़े अमाउंट में हो या फिर छोटे अमाउंट में रहो, ठीक है भाई, जब भी मेरे पास होंगे मैं सभी को लौटा दूंगा। ठीक है, और इस चीज़ को लेके मैं हाथ जोड़ता हूँ कि उस पैसों के लिए परेशान ना करें। और रही बात मेरी गर्लफ्रेंड जो बोल रही है कि हम रिलेशनशिप में नहीं है, ठीक है, और आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। ठीक है, ये काफ़ी पुरानी तो नहीं है, अभी न्यू है, लेकिन हाँ थोड़ी पुरानी है। ठीक है, वो मेरे से प्यार करती थी या नहीं करती थी, ठीक है, या फिर हम क्या कैसे, मतलब आप खाली, वैसे तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग है भाई, लेकिन भाई मैं उसे प्यार करता था हूँ और रहूँगा। ठीक है, वो दूर रहे, कहीं पे भी रहे, किसी के भी साथ रहे, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाइज जिसका झूठा प्यार होता है ना वो एक मिनट में शायद भूल जाएगा, एक मिनट में बदली हो जाएगा, एक मिनट में उसके खिलाफ हो जाएगा। मेरा सच्चा प्यार था, ठीक है, तो मैं आज तो क्या कभी उसको बदनाम नहीं करूँगा उसी को। तो प्यार का मतलब क्या होता है, ये तो होता है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे का मतलब एक दिल मिलना चाहिए। ठीक है, और प्यार का मतलब ये होता है, प्यार का मतलब ये नहीं होता कि जब रिलेशन में है या फिर एक अच्छे खासे है तो सब कुछ है, अगर नहीं है तो बाद में दुश्मन बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। मेरा सभी से विनती है कि हाँ चल उसको पसंद नहीं आया, ब्रेकअप कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, वो अलग रह रही है, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन मैं उसके खिलाफ कभी नहीं होऊंगा और कभी आगे कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो गाइस भाई वीडियो को लेके एक अलग बात थी, मेरे रिलेटेड थी। ठीक है, सारी जो वीडियो थी ना इसी तरह, भाई मैंने आज तक वीडियो के अंदर क्या बताया भाई को लेके, भले वो भाई फेक था, मैं भी बोलता हूँ वो मेरा दोस्त है, लेकिन उसके भाई का या फिर किसका रोल करता है वो क्या बताया मैंने, कि भाई उसके फैमिली वाले बोल रहे हैं कि भाई अर्जुन के पास घर वर नहीं है, शादी नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो इस रिकॉर्ड में भी आपने देखा रहेगा कि उसके पापा जो चाहते हैं यही कि हम ऐसे लड़के से शादी कराएंगे जिसका खुद का घर वगैरह वो यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात रही गाइस, एक रिकॉर्डिंग है
जो उसके पापा से मैंने बात कर रखी है, ठीक है, पापा ने ये बोल रहा है कि मैं भी रिकॉर्डिंग नहीं सुनूंगा, मैं किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता, ठीक है, लेकिन हाँ अगर आपको, अगर आपको भरोसा है तो एक बार पापा से पूछ लीजिए कि हाँ अर्जुन ने बात की थी, आपने क्या क्या बोला है, ठीक है। तो गाइज वो बहुत बड़ी रिकॉर्डिंग है, मतलब प्रूफ है मेरे पास, ठीक है। तो उसमें ये बोला गया कि अर्जुन तू बस खुद का घर, एक बिजनेस कर लो, उसके बाद में शादी हम करवा देंगे, ठीक है, शादी हम करवा देंगे, भले उसकी मम्मी भी नहीं माने या फिर पप्पा भी नहीं, मतलब उसका भाई भी नहीं माने, उसके उपरांत भी अगर आंचल से आती है तो शादी कर लेंगे। उसके पापा का कहना ये था, मैं रिकॉर्डिंग नहीं डालूंगा, हाँ लेकिन डालूंगा कब, अगर मेरे खिलाफ और भी अगर आगे किया तो मैं हाथ जोड़ना चाहता हूँ, मैं पीछा बस मैं, ये लास्ट है आंचल के खिलाफ तो नहीं बोल सकता, बस मेरे बचाव में, लेकिन लास्ट है, बस मैं मेरी लाइफ से आगे निकलना चाहता हूँ, बस मेरी लाइफ से आगे निकलना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो, इस ये जो मैंने रिकॉर्डिंग से, उससे प्रूफ हुआ रहेगा कि हम वो भी पति पत्नी मतलब मानते थे, जो भी, अगर आपका क्या है यार कमेंट करके बता दो यार, कमेंट करके जरूर बता दो, ठीक है। तो गाइस अगर कमेंट करके बताएंगे तो मुझे, आपको मतलब मुझे पता चल जाएगा कि हाँ यार कोई तो है सपोर्ट करने वाला, तब डिसाइड कर सकते हैं कि भाई कौन झूठा है और मैंने आपको कितना झूठा बताया कि ना सच्चा बताया, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, ठीक है। लेकिन पता नहीं वो एकदम से उसके दिमाग में प्यार, प्यार चीज की खत्म हो चुकी है, ठीक है। और इस वीडियो में ये भी, ये तो थी रियलिटी, ठीक है, पर पता नहीं यार वो क्या चाहती है, यार क्या चाहती है कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे और आंचल कौर के आगे, आपके आगे इसीलिए जोड़ रहा हूँ कि भाई मैंने कभी झूठ नहीं बोला। हाँ वीडियो स्क्रिप्टेड वगैरह होती है, लेकिन जो कहानी है आगे भी स्क्रिप्टेड आएगी, क्यों मना बोलूं, बिल्कुल, लेकिन मेरे लाइफ से रिलेटेड आएगी, आपको कोई गलत दिखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और आंचल कौर को ये कि तू क्या चाहती है, तू ये चाहती है ना कि यार मेरा नाम बदनाम करके तू आगे, मतलब क्या चाहती है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देख मैं तो ये चाहता हूँ कि तू तेरी लाइफ में कहीं पे भी रहे, खुश रहे, मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी, मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी, नहीं फोन वोन कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और अगर तू ये चाहती है ना, क्योंकि तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है, मैंने प्यार किया ना, मैंने सच्चा प्यार किया था ना, तो मैं तेरे को कभी वो उल्टा सीटा या धोखा नहीं, जितनी भी तूने पहले वीडियो डाली, तूने डाली तो मेरे बचाव में वीडियो डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, और आज भी ये बचाव के अंदर डाल रहा हूँ मैं मेरी वीडियो, ठीक है। तो गाइज अगर तू ये चाहती है कि यार हमारा रिलेशन नहीं था, इस बात को अगर तू खुश है ना कि हाँ इस बात को लेकर तू खुश हो जाती है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ गाइस, बस ये मान ले, आंसर जो बोले ना वो मान लो आप, ठीक है, बस हमारा रिलेशन नहीं था, ठीक है आंचल कौर, यही मैं आप बोलना चाहता, हमारा रिलेशन नहीं था, हम वीडियो फेक बनाते थे, हम झूठा झूठा दिखाते थे, आंचल कौर ये चाहती है, और आंचल कौर ये चाहती है कि मैं, अर्जुन है जो सबसे घटिया इंसान है, सबसे मतलब आवारा, सबसे मतलब इस दुनिया का सबसे घटिया इंसान बोले तो अर्जुन लाल परियार है, तो भाई बिल्कुल है यार, मान लो बस, लेकिन तू खुश रहे, बस खुश रहे, मैं ये चाहता हूँ। और गाइज अगर उसको ये लगता है कि यार अच्छे कमेंट मतलब, तो अगर ये चाहती है कि यार लोग भी मुझे गालियाँ दें, तो गाइज उसके इंस्टा पे जाके वहाँ पे थोड़ा बोल के आओ, ताकि वो खुश रह जाए, खुश रह ले, ठीक है। एक बार बोलो कि हाँ अर्जुन घटिया इंसान है, अर्जुन धोखेबाज है, एक बार जाके उसके चैनल पे जाके कमेंट कर लो, ताकि वो खुश हो जाए, स्माइल हो जाए। क्यों पता है कि किसी के चेहरे पे, फेस पे स्माइल लाओ, ये सच्चा धर्म, ठीक है। तो गाइज मैं भी यही चाहता हूँ, उसके फेस पे स्माइल आए, कोई बात नहीं, और मुझे आप जैसा भी समझो, रिकॉर्ड जैसा बोल रही है वैसे ही मान लो यार, वैसे ही मान लो, लेकिन मैं इस झंझट से बाहर निकलना चाहता हूँ, बस मुझे और भी, और बहुत सारी ज़िंदगी में मुझे आगे बढ़ना है, मैं मेरी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ, ठीक है। अभी इतना घटिया इंसान हो तो अभी क्यों पीछा कर रही हो यार, क्यों वीडियो बना रही है मेरे, अगर तेरे को चैनल का प्रमोशन करना है ना, तो गाइज मैं बोल देता हूँ कि उसका जो भी चैनल है सब्सक्राइब कर लो, बस खुश, अभी मेरे खिलाफ कोई वीडियो मत बना। देख जब ये दो दुश्मन दुश्मन बनते ना तो इतना नहीं, लेकिन जब दोस्त या फिर
पति पत्नी या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर दुश्मन बन देना तो बहुत बड़ा वो होता है, तुम्हें भी पता है। और इसे ये मत समझना कि नाम अर्जुन का ही बदनाम हो रहा है। देख तू बदनाम कर रही है तो तू भी बदनाम होगी, मैं भी बदनाम होगा। तो मैं खुद तो मेरी गलती मान लेता हूँ गाइज, मैं घटिया इंसान हूँ, मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ, बहुत ही बहुत बहुत मतलब मैंने सभी को धोखा दे रखा है और मैं विश्वास के लायक नहीं हूँ, ठीक है गाइज ये मान लो और मुझे बख्श दो, मैं आगे आगे लाइफ बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। तो गाइज प्लीज़ कोई अगर मेरे खिलाफ वीडियो बनाए तो एक अच्छे से कॉमेंट कर लो यार, थोड़े उस मेरे खिलाफ कर लो, उसकी खुशी बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन प्लीज़ आंचल को अगली वीडियो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मेरे पास तेरे पास प्रूफ होएंगे शादी को लेके कुछ भी को लेके, तू डाल सकती है कोई दिक्कत नहीं। मैंने तूने जितने भी आरोप लगाए मेरे पे मैंने एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। तूने बोला घटिया इंसान है अर्जुन लाल, बिल्कुल हूँ। झूठा है, बिल्कुल हूँ। जैसा तू बोले वैसा मैंने मान लिया। अभी मुझे मेरा पीछा छोड़ दो और मुझे जीने दो, मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। मैं अकेला बहुत दूर से आया हूँ कुछ का बनने के लिए, तो प्लीज़ रास्ते में रुकावट मत कर प्लीज़। बहुत सारे बहुत लंबी वीडियो बनाना चाहता था लेकिन मेरे से बोला नहीं जा रहा है, ठीक है। तो गाइस मैं भी आंचल वीडियो मेरे खिलाफ बनाए, बनाने दो कोई दिक्कत नहीं, उसको भी प्यार दो, लाइक करो, मेरे खिलाफ कमेंट करो उसके चैनल पे, ताकि वो खुश रहे यार।